हेलो दोस्तों, वेलकम टू तृप्तिस किचन मैजिक। और आज मैंने बनाए हैं आपके लिए 5 शॉट्स। दोस्तों, ये पीने में जितना ही स्वादिष्ट है उतनी ही इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज भी है। अगर आपका स्टमक कभी ब्लोट करे, इसे कंज्यूम करते ही आपको बेटर फील होने लगेगा। 4-5 इंग्रेडिएंट से ये बहुत जल्दी बन जाते हैं और स्पेशली गर्मियों के दिनों में इसे पीकर आपको बहुत राहत मिलेगी और ठंडा पान का स्वाद आपको सुकून देगा। चलिए देखते हैं इसे हम कैसे बनाएंगे। स्टेप्स और इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हुए हैं, ताकि आप वीडियो देखते देखते उसे साथ में रेफर कर पाएं। चलिए बनाते हैं 5 शॉट्स। लेंगे हम 3 पान के पत्ते। दोस्तों, पान के पत्तों को स्टिमुलेंट और एंटीसेप्टिक माना गया है। इसमें कैल्शियम और वाइटामिन सी भी होता है। इसे हम इस तरह से टुकड़े करके मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे। मिलाएंगे इसमें शुगर कोटेड सौंफ, यानी कि मीठी सौंफ। अगर ना हो तो घर में अवेलेबल मीठा मुखवास भी चलेगा। साथ ही में हम मिलाएंगे थोड़ी सी सादी सौंफ। इस तरह से ऐड करेंगे हम गुलकंद। दोस्तों, गुलकंद जो है ये स्टमक के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अपनी मनचाही स्वीटनेस के हिसाब से आप इसे कम ज़्यादा रख सकते हैं। मिक्सी में इन सबको ठीक से चला लेंगे इस तरह से, और ऐड करेंगे इसमें पान का सिरप। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो रोज़ का सिरप, रूआफ्जा या फिर खसखस सिरप भी चलेगा। मिलाएंगे इसमें वनीला आइसक्रीम के कुछ स्कूप्स। आइसक्रीम की मात्रा ज़्यादा ही रखिएगा, ताकि जो आपका ड्रिंक है इसमें थोड़ी थिकनेस भी बनी रहेगी और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। आप चाहे तो इसमें खाने का ग्रीन कलर भी मिक्स कर सकते हैं। इसमें मिलाएंगे हम चिल्ड मिल्क, यानी कि दूध। कंसिस्टेंसी आप अपने हिसाब से रखिएगा और मिक्सर में इस तरह से चला लीजिएगा। एकदम चिल्ड 5 शॉट्स हमारे रेडी है सर्विंग के लिए। चलिए सर्विंग के लिए हम रेडी कर लेते हैं हमारे 5 शॉट ग्लास। डेकोरेशन के लिए लेंगे हम हमारी शुगर कोटेड सौंफ। इस तरह से थोड़ी सी लीजिएगा और इसे हम मिक्सचर में इस तरह से चला लेंगे और इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब लेंगे हम हमारी सिरप, एकदम थोड़ी सी इस तरह से, और इसे स्पून की मदद से इस तरह से जो हमारे ग्लास है उसके जो एज है उसको हम इस तरह से ग्रीस कर लेंगे। आपके पास जो भी सिरप हो उसे आप यूज़ कर लीजिएगा, या फिर जो शुगर का गाढ़ा पानी होता है वो भी काम आ सकता है। जैसे ही एज ग्रीस हो जाती है, इसे हम डिप करेंगे हमारे मिक्सचर में इस तरह से, और देखिए हमारा जो ग्लास है बिल्कुल डेकोरेट हो चुका है। इस तरह से हम हमारे ग्लासेस को सर्विंग से पहले रेडी कर लेंगे। चलिए सर्व करते हैं हम हमारे 5 शॉट्स। सर्व कीजिएगा इसे बिल्कुल चिल्ड, पान के पत्तों के ऊपर रखकर इस तरह से। यकीन मानिए, देखते ही बिल्कुल टेम्पटिंग, एकदम यमी लगेगा और आप रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे। इसमें ऊपर से हम डालेंगे थोड़ा सा वनीला आइसक्रीम, ताकि पीते वक्त और स्वाद लगे। और इसमें हम ऊपर से इस तरह से जो हमारी सिरप है वो डाल देंगे, तो जो हमारा डेकोरेशन है ये बहुत ही टेम्पटिंग लगेगा और आपके फ्रेंड्स, आपके फैमिली मेम्बर्स इसे पिए बिना नहीं रह पाएंगे और बहुत टेम्प्ट हो जाएंगे। मुझे यकीन है दोस्तों कि आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करेंगे और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करेंगे। मुझे बहुत खुशी है दोस्तों कि आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी, मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।